बेतिया पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी घटना को अंजाम होने से रोक लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शिकारपुर थाने में छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने हथियार समेत मनीष और अमित को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और चोरी किए गए चार पहिया वाहन जब्त किए। 24 घंटे में शिकारपुर थाने को सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो कि चोरी की गाड़ियों के साथ में शिकारपुर में पहुंच करके अन्य घटना को बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। गुप्त सूचना पे DSP नरकटियागंज और शिकारपुर SHO व बाकी अन्य टीम ने मौका वारदात पर रेड के दौरान दो गाड़ियों को बरामद किया गया और उनके साथ में चार व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया, जो कि जब पूछताछ में पता लगा तो ये पता लगा कि वो चोरी की गाड़ियां थी और ये इसका इस्तेमाल वो अन्य अपराध के लिए कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उसी उन्हीं के बयान पर आगे भी रेड की गई। रेड के दौरान एक दो व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया जिसके पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन और अन्य कारतूस बरामद किए गए तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। जब इससे गहन पूछताछ की गई तो इसने अपने अन्य अपराधों में संलिप्तता को स्वीकार किया। बता दें कि वाहन चोरी के गिरोह में शामिल फिरोज शाह, अमानुल्लाह, इदरीश मियां और आफताब को गिरफ्तार किया गया। बेतिया से शकील अहमद की रिपोर्ट।